guys, assalamu alaikum. This is Wasam Ali Khan and with me this is Huraira Sharif. Bhai kya hua hai, ab kyu khafa ho yaar? Yaar mana barish ho rahi hai, mausam itna acha hai aur sab ja rahe hain ghumne aur snap de rahe hain aur hum yahan par garm mein baithe hain yaar. To kya plan hai bhai, jaate hain aaj? To yaar plan to banana chahiye na. To plan banate aaj hi jaate. Pichli dafa hum Naran gaye aur is dafa hum स्वात और कालाम की तरफ जाएंगे, सही है? ठीक है, चलो असाम पैकिंग करते हैं यार, जल्दी से रवाना होते हैं ताकि जल्दी निकल जाए, लेट हो जाएगा फिर। ओके गाइस, स्टे ट्यून एंड लव यू ऑल। स्वात में और ये मुझे तो यार शदीद सर्दी लग रही है, मुझे तो कालाम की फीलिंग आ रही है और अभी हम पूछेंगे हुरैरा से कि अब हमारा अगला प्लान क्या, हम कहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद कब हम कालाम जाएंगे। अभी हम स्टॉप पहुँच गए और स्टॉप से हम बैठेंगे सवारी में और जाएंगे सैदू शरीफ, वहाँ पर मैं स्टे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मोबाइल वगैरह सब गीला हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं। पहुंच गए हैं, डेस्टिनेशन तो नहीं कह सकते, मतलब जहां हमारी स्टे है वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि रात है, हमने रात गुजारनी है क्योंकि हम ऊपर कालाम नहीं जा सकते। तो मैंने ने कहा कि हम स्वाद दोस्तों, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। ये देखो हमारा होममेड सिनेमा, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब, ठीक? अभी हम प्लान बनाएंगे अपने, पहले नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ दोस्त हैं उनके साथ जाएंगे गबीन चप्पा। सुबह का नाश्ता आसान भाई, हाफ फ्राई का हो गया, फुल फ्राई। मैंने हाफ फ्राई खाना है और जल्दी खाओ हमारे लिए दोस्त इंतजार। मौसम में हम नमी ढूंढने निकले, सब ढूंढने निकलते हैं ख्वाहिश, हम खुशी ढूंढने निकले हैं। यूं तो मिल जाएगा आशियां वीराने में भी, लेकिन हम वीरानों में रोशनी ढूंढेंगे। हम लाल कबीन जवा पहुंच चुके हैं, इट्स वेरी कोल्ड हियर। अभी भी रास्ता है, बाकी है रास्ता, अभी भी रास्ता है, अभी हम हाइक करेंगे। गाइस हम पूछते हैं बिलाल भाई से, उनको कैसे महसूस हो रहा है इधर पहुंच, फर्स्ट टाइम गबीन जबा आए हैं और गबीन जबा में तो थोड़ा सा है फासला, नीचे भी हम गाड़ी रोक लिए,
लेकिन इंतहाई ज्यादा स्नोफॉल हुई हुई है इस दफा, ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। किसी से भी अगर किसी ने भी आना हो तो उसको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आराम आराम से गाड़ी चला के पीछे ही रोक ले, हाइकिंग करे। बहुत जबरदस्त आप लोगों का इंशाल्लाह ट्रैकिंग भी अच्छी होगी। अभी व्यू भी अच्छा। बिलाल भाई और कितना रास्ता है हाइकिंग? हमने तो, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैंने जब सुना है तो मतलब अभी कोई अगर प्रॉपर जमीन जगह के लिए जाए तो 2 घंटे की हाइक है। तो अगर प्रॉपर स्टेमिना वगैरह है तो लालपुर में गाड़ी रोके हाइकिंग करें, बहुत जबरदस्त जगह है इंशाल्लाह। अभी हम आगे जाते हैं, हम भी आहिस्ता आहिस्ता पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम गर्मी में आए थे, ऐसा बर्फ कम देखने को मिलता था, पहाड़ों पे देखते थे जी। अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, यहाँ पे खेल भी रहे हैं, स्टेडियम भी बना रहे हैं जी, बहुत मजा आ रहा है। तो हमारा हुरेरा भाई अभी हाइकिंग करते, हुरेरा भाई योर बैक, हाउ यू आर फीलिंग? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, मैं तो मास्क इसलिए लगाया क्योंकि मुझे कुदरत के नजारे। अभी इधर रश भी नहीं है, जो भी आना चाहते है तो गोविंद जबा और मट्टा के साथ ही एडजेसेंट है, तो हम सबको अर्ज करते है जो भी टूरिस्ट है वो गोविंद जबा जरूर आए। कुछ दोस्त मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए और अभी कैसा महसूस करते हैं। जी भाई हम मुल्तान से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है मरी, और उधर मालंग उधर तो बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन यहाँ पुरसकून है, कुदरत का नज़ारा है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत ईजिया रात में, बहुत मजा आ रहा है। हमें अभी छोटे बता रहे कि इस दफा बहुत ज्यादा बर्फ हुई, तो आप ऊपर गए तो उधर ऊपर बहुत बर्फ है माशाल्लाह, 3-4 फीट बर्फ है ऊपर जी। आप लोग जो भी एडवेंचर देखना चाहते हैं ना वो किधर आए, सवाद के साथ है मटा, मटा से 1 घंटे का डिस्टेंस है, सुकून है, अल्लाह पाक की कुदरत है, नजारे हैं, नहीं है नजारे हैं, अगर नजारे देखने दे रहे हैं तो मरी जाए भाई, अल्लाह भी। ये चीज जब भी आप आए ये चीज ना भूले, सही है, दो तोड़ा सा यार। जो भी आए ना रोबजा या जामी शरीन ना भूले, क्योंकि ये एक मेमोरीज होती है और ये अच्छा अच्छा एक प्रो टिप देता हूँ, ये प्रो टिप देखो, ये जरूर करें, जुराबे पहने और उसके उसके ऊपर
स्टार्ट हुई। आखिरी ये पीक तो नहीं है, पर स्नो में यही पीक है, स्नो में इससे ऊपर नहीं जा सकते। वाह यार वसाम भाई, भाई ये होटल है मेरी तरफ। भाई मेरी एक ख्वाहिश थी कि विंटर में यहाँ आए और लाइव स्नो देखे, तो सुबह से स्नो नहीं हो रही थी और अभी स्टार्ट हुई है अभी। ये देखो हमारा भाई, ये मिंगौरा से, यही लोकल है पर बिल्कुल अली सतपारा लग रहे हैं। तो भाई आपका चैनल क्या नाम है उसका? अरीश खान। अरीश खान, अरीश खान। अच्छा तो आप वो मतलब चैनल का एडवेंचरर हो? हाँ मैं ट्रेकर हूँ, सोलो ट्रेकर। सोलो ट्रेकर, माशाल्लाह। वाओ यार स्नो में चाय दोस्तों, ये हाथ कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये इतनी ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है अभी, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। हमारे दो दोस्त अजान के बाद नमाज अदा करते हुए में लोकल्स मिले, तो हम नीचे आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ लोकल्स मिले और ये जाएंगे ऊपर कैंपिंग, तो बताएं इनको आज रात गबिंजा टॉप पे गुजारेंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा। को साइड पे जाएंगे कल। अच्छा तो मतलब गबिंजा से भी ऊपर जाएंगे आप लोग? हाँ गबिंजा से ऊपर। कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे ही कलाम के लिए निकलेंगे, उसके बाद अपना प्लान जारी रखेंगे। तो हम ये व्लॉग का पार्ट वन इधर ही स्टॉप करते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।